अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी प्रॉन तवा फ्राई की रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे शेयर करूंगी कि प्रॉन को परफेक्टली किस तरीके से साफ़ किया जाता है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ इसे किस तरीके से साफ़ किया जाता है। सबसे पहले हम इसका हेड अलग करेंगे। आप छुरी की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं या फिर हाथों से भी आसानी से निकल जाता है। उसके बाद में हम इसके लेग्स अलग करेंगे। लेग्स इसलिए पहले निकालेंगे क्योंकि बाद में इसका शेल आराम से निकल जाता है। अगर आप लेग्स रख के लेग्स के साथ में ही शेल निकालना चाहते हो देन इट्स फाइन एज वेल। गाइस, क्या आपको पता है कि इसे शेल के साथ भी बनाया जाता है? वो प्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। मैं आपके साथ में उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। सारे शेल्स निकालने के बाद में जब ये हमारा लास्ट शेल होगा उसे हम इस तरीके से लूज़ करते हुए निकालेंगे ताकि जो टेल का मीट है वो भी हमें मिल सके। कुछ लोगों को लगता है कि शेल निकालने के बाद में उनका प्रॉन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बट वो गलत होते हैं। प्रॉन के अंदर जो भी गंदगी होती है वो उसके ऊपर साइड होती है, तो उसे क्लीन करने के लिए हम इस तरीके से कट लगाएंगे और टूथपिक की इस मदद से इसे निकालेंगे। इसे हमें अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, मेक श्योर कि कुछ भी बाकी ना रहे क्योंकि वो गंदगी होती है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि प्रॉन की गंदगी जो होती है वो नीचे साइड होती है, इसलिए वो नीचे कट लगा लेते हैं एंड उसके नर्व निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि उनका प्रॉन क्लीन हो चुका है। दैट इज़ रॉन्ग। आपको प्रॉन की नर्व नहीं निकालनी है, आपको उसके इंटेस्टाइन निकालनी है, तो आप ऊपर कट लगा के उसे क्लीन ज़रूर कर लेना। मैंने मेरे सारे प्रॉन्स क्लीन कर लिए हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, फिर हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, फिर इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, आखिर में इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गाइस, कुकर में प्रॉन बहुत आसानी से मिल जाते हैं एंड फ्रेश भी मिलते हैं, तो इसे अलग अलग तरीके से बना के खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किस तरीके से बना के खाना पसंद करते हो ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताना। तो मिक्स करने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे पानी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद में हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। एज अ प्योर कुक नहीं, मैंने बहुत सारे प्रॉन्स के डिशेज़ खाए हैं, बट तवा फ्राई इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। व्हाट अबाउट यू? आप लोगों ने पहले कभी तवा फ्राई खाया है? तो गाइस, प्रॉन्स को हमने मसाला लगा लिया है। अब हम बढ़ते हैं फ्राई करने की प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैंने गैस पे तवा रख लिया है, उसके बाद में मैंने ऐड किया है उसमें तेल। अब हम इसमें वन बाय वन जो हमने मसाला लगाए थे वो हम प्रॉन्स इसमें ऐड करते जाएंगे। सारे प्रॉन्स तवे में ऐड करने के बाद में इसका जो बचा हुआ मसाला है उसे भी हम इसके ऊपर रब कर लेंगे। इस मसाले को हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। जितना ज़्यादा मसाला होगा उतना ही इसका टेस्ट उभर के आएगा। अब मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एक से डेढ़ मिनट के बाद में इसे हमें पलट लेना है। पलटने के बाद भी इसे एक मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे झींगा तवा फ्राई बिल्कुल रेडी है। ये तवे में ही इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में तो मज़ा ही आ जाए। कुकर में फिशेस बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जब सीज़न होता है फिश का तो मम्मा हमें इस वे में बना के देते हैं ताकि हम इसे स्नैक्स की तरह ही इन्जॉय कर सकें। गाइज, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।